Assalamu alaikum to everyone, dear students. This is Nelson, and today we are going to discuss a very, very important topic. So, listen me carefully because it is very, very important. So, dear students, let's start our topic in detail. They can प्यारे बच्चों प्यारे स्टूडेंट्स आप आज इस मकाम पे हैं कभी आपने सोचा है कि आपके पीछे कितने स्टेप कितने स्टेज़ से आप गुज़र के आए हैं जो आज आपके आप क्लास रूम्स में आके एजुकेशन हासिल कर रहे हैं कभी सोचा है नहीं देखें स्टूडेंट्स रब की थी। जस्ट रब की ज़ात थी कि रब ने चाहा क्यों ना मैं अपनी पहचान कराऊं तो अल्लाह के साथ ने अपनी पहचान करवाने के लिए उन्होंने मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और जब आप का मुजस्मा मुकम्मल हुआ तो शायर कुछ इस तरह बयान करता है कि हुसन का जो सरापा मुकम्मल हुआ हुसन का जो सरापा मुकम्मल हुआ अपने फ़न पे मसवरी को रशका गया कह उठा कि परिया ए मेरे मुस्तफ़ा मैं तो मैं हूँ मगर आपकी क्या बात है देखिए स्टूडेंट्स अल्लाह ताला ने अपने महबूब की मोहब्बत में अपने महबूब को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला ने दो जहां बनाए क्या बनाए दो जहां और उस तो जहाँ में अल्लाह पाक ने अठारह हज़ार मखलूक़त पैदा फरमाए उन सब से जो आला मखलूक है वो इंसान है और अलहमद अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया इंसान के बाद आ जाता है कि अल्लाह ताला ने एक लाख चौबीस हज़ार अम्बिया का सहूल सहूर फरमायानि कि उनको पैदा किया उनमें से हमें अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्ला वम के अक्दस का अम्ति पैदा फ़रमाया जिसकी खातिर अल्लाह दोनों जहां बनाए देखें जहाँ भी बन गए मखलूक़ भी बन गए इंसान भी बन गए हैं उम्मीती भी बन गए हैं अब सवाल ये होता है कि इंसान बनने के बाद इंसान बनने के बाद इनकी गुजारने के लिए डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं अल्लाह ताला ने हमें जो प्रोफेशन अदा किया है अल्लाह का बेशुमार हम जितना भी शुक्रगुज़ार हो ना काफी है जितने भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कम है देखिए अल्लाह ताला ने हमें वो प्रोफेशन अदा किया है एजुकेशन तालीम इल्म कि जिसकी खातिर जंग एक जंग में आप से का फरमान है कि यहूदी को पकड़ा गया जंग के दौरान तो आप सल्लम ने उनको फरमाया के जो शख्स मुसलमान बच्चों के ये मुसलमान बच्चों को दस बच्चों को पढ़ाएगा इलम सिखाएगा उसको आज़ादी मिलेगी और कुरान पाक में भी है कि या क्या इलम वाले या जाए लोग बराबर हैं देखें इलम का कितना फ़ायदा है सो आगे आ जाता है जो इलम तकसीम करते हैं जो इलम तकसिम करते हैं जो कौम का ममार हैं टीचर हजरात डेयर स्टूडेंट्स हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सो बात करते हैं रिस्पेक्ट पे वाट इज़ रिस्पेक्ट डेर स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी इट इज़ लाइक इन्वेस्टमेंट वट एवर यू विल गिव अदर्स इट विल बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स आज जो हम हर लिहाज से पीछे जा रहे हैं दूसरे ममालिक से तो बात ये है कि देखें हम अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हम अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हम अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट नहीं करते देखिए एक दोस्त ने मुझे एक, एक बात शेयर की कि यार एक दोस्त था वो लंदन में गया पाकिस्तान से अब लंदन में जाने तो वहाँ में जस्ट ये जो मिलनी है कि चौकीदारा ड्राइवर या गार्ड की तो एक्चुअली जो दोस्त था वहाँ क्या जो करता था ड्राइवर की तो एक दिन जब उनकी लीव होती है यानी कि छुट्टी होती है तो जो पाकिस्तान से गया हुआ था काम करने के लिए ड्राइवर तो उसका बोस उसको कहता है कि यार आज आप गाड़ी न चलाएं मैं चलाता हूँ गाड़ी आप न चलाएं मैं चलाता हूँ तो गाड़ी चलाता है बहुत स्पीड से चलाता है इतनी चलाता है कि वो परेशान होता है यार मैंने तो ज़िंदगी में इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलाई है आज कैसे चला रहा है चलाते चलाते रस्तियों में इतनी ब्रेक लगा देता है इतना ऐसा गाड़ी को कर देता है कि ऐसे जैसे कि वो हम पैदल चल रहे हों तकरीबन दो या तीन मिनट्स के बाद वो गाड़ी की स्पीड ऐसे ही कर देता है जैसे कि वो पहले चला रहा है। होता है अब वो देखने वाला जो ड्राइवर था जो पाकिस्तान से उधर गया हुआ था अप्रोड से आउट ऑफ कंट्री तो उससे पूछता है कि सर आपने पहले गाड़ी बहुत तेज़ चलाई है उसके बाद आपने बहुत ही स्लो कर दी थी तो स्लो करने के बाद चंद मिनट्स के बाद आपने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ की है इसकी रीज़न क्या थी इसकी वजह क्या थी प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ एक्सप्लेन दैट या दिस इसे एक्सप्लेन करें इसको बताएं भी इसका मसला क्या था आगे से वो कहने वाला कहता है जो ड्राइव कर रहा होता है उसका बॉस वो कहता है देखें जब मैं गाड़ी चला रहा था शुरू में मैंने बहुत तेज चलाई आगे आके देखा कि एक बुज़ुर्ग जा रहे थे वो पैदल जा रहे थे कौन जा रहे थे एक बुज़ुर्ग जा रहे थे वो पैदल जा रहे थे तो जब मैंने देखा कि यार ये बुज़ुर्ग जा रहे हैं लेकिन मुझे पता था ये एक टीचर हैं मेरे नहीं है किसी और के हैं तो अगर मैं इसके आगे से गाड़ी तेज़ चलाता हूँ तो ये गुस्ताखी है तो मैंने सोचा जब तक ये गुजर नहीं जाते हैं तब तक मैं गाड़ी ऐसा आस्ता ऐस चलाता हूँ तो देखो डेयर स्टूडेंट्स ये बात थी जो बायर वाले लोग अंग्रेज़ अमेरिकन्स जितने भी हजरात हैं वो तरक्की जो कर रहे हैं वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं देखें एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि डिग्रीज ले ली मार्क्स ले लिए ग्रेड्स ले लिए एजुकेशन का मीनिंग ये है कि चेंज इन बिहेवियर आपका अखलाक सबसे अच्छा होना चाहिए आपको तमीज़ होनी चाहिए आपने कैसे बात करनी है आपने अपने घर में कैसे जाना है जब घर में एंटर हो तो सबको सलाम करें आप अपने पेरेंट्स का अदब करें अपने वालदे की खिदमत करें आप अपने वालदे की जितनी भी खिदमत कर सकते हैं वो काम है आप अपने वालदेन के आगे उफ तक ना करें सो डियर स्टूडेंट्स आप जब कॉलेज में स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आप जस्ट अपने इंटरेस्ट की वजह से जाते हैं सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इन इंग्लिश डियर स्टूडेंट्स यूर इंटरेस्ट हैज़ ब्रॉट यू एट कॉलेज यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स योर इंटरेस्ट कैन नॉट डिवेल्प योर पर्सनैलिटी your interest alone cannot help you to achieve your goals your interest cannot help you to achieve your goals you can achieve all your dreams all your goals if you have passion you should know what is passion when your teachers of the days come in classes when you are in classroom as a students you should not feel thirsty you should not feel hungry you should not feel tired you should be very keen to learn new things this is what is passion is you should feel this teacher has come just for me all the rest of participants, they are doing their jobs, but my job is focus on my teachers and to learn new things and develop my personality. That is focus. Focus is very important to get anything or forget anything. Many of you have passed tenth class enter class ba class or master class this is not big achievements millions have done it what is exceptional thing you are going to achieve in your life you should you should set a goal at this stage you have to promise to yourself that i have set a goal in my life and i achieved and i have to achieve that no matter how many problems you come across let me to tell you that life is actually a big problem life is not a bed of roses you come across hurdle that was life is, life is. You have no problems only in Jannah. Hazrat Muhammad had faced a lot of problems far from this universe was created. One who is ready to face problems, one day he will achieve his goals. स्टूडे so स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बातें सुन के इन शाह इन करेंगे तो देखें इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसे इंसान हासिल नहीं कर सकता यू कैन डू यू कैन अचीव एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू हैव थ्री थिंग्स इन योर लाइफ पैशन टाइम एंड हार्डवर्क देखिए अगर आपको किसी चीज़ की पाने की चीज़ को पाने की या आपके पास किसी चीज़ को पाने का टाइम है पैशन है या सब्र है तो इंशाल्लाह आप वो उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं सो so, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करें अगर अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है तलीम हासिल करने का आप जस्ट ये देखें कि आपके ऊपर आपके पेरेंट्स कितना ख़र्च कर रहे हैं कितने आपके एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको तो स्कूल देखना भी नसीब नहीं होता अल्लाह ताला ने आपको ये नसीब और आपको ये बहुत ही अच्छा नसीब अता किया है कि आप आज ब्रांडेड कॉलेज़ में ब्रांडेड स्कूल और ब्रांडेड यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं सो so, आपके वो पेरेंट्स की तो आप पर हैं आपके पेरेंट्स पर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो फ़ेस करते हैं लेकिन आपकी जितनी भी ज़रूरिया हैं उनको पूरा करते हैं सो डेयर स्टूडेंट्स प्लीज़ फोकस on your goals. Allah Hafiz and please subscribe my channels like and share it. Okay Allah Hafiz best of luck to all of you. G T E students एक बात का बहुत ही ख्याल रखना है कि देखिए जो इंसान मेहनत करता है वो कामयाब और वही हर चीज़ हासिल करता है जो मेहनत करता है ये सिंपल सी बात है हरकत में बरकत है अब एक शक्कर शुद्रबादी का शेर है कि तू तो दीवा बालते रख हवा जाने खुदा जाने मेहनत करना आपका काम है बाकी जो उसका सिला है वो अल्लाह पाक ने देना है डेयर स्टूडेंट्स एक बात शेयर करता चलूँ और बहुत ही अहम है कि इंसान को नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले नहीं मिलता आपने मेहनत करनी है जितना हो सके और इन उसका जो सिला अल्लाह पाक ने देना है अल्लाह पाक किसी का किसी की मेहनत का सिला नहीं रखता वो इंसान को अता करता है देर है अंधेर नहीं है लापा इन शह देखा सो मेहनत करें आप हर चीज़ दुनिया में हासिल कर सकते हैं जस्ट आपके पास पैशन होना चाहिए हार्ड वर्क होना चाहिए Determination, Saber, Time, Respect. Okay, dear students, Allah Hafiz.